कि मेरा भाई है, ये ट्यूशन पढ़ाकर 8:30 के बीच घर आ रहा था। उसी बीच रास्ते में परवेज नाम का एक आदमी है और उसका लड़का इरशाद, दोनों मिलके उसको धारदार हथियार से जख्मी कर दिया। किसी बात का विवाद था क्या? उससे आज तक किसी तरह की कभी किसी तरह का झंझट नहीं हुआ। आज तक कोई मामला नहीं था। मनवरू टाइप का लड़का है, हमको यही लग रहा है। क्या नाम है इनका? अफसार हुसैन। आपका क्या नाम है? शाहजहां अंसारी। ये सर 8:30 बजे के करीब एक होम ट्यूशन पढ़ा के घर लौट रहा था और रास्ते में घर से 100 मीटर की दूरी पे एक चौक है, नेगरा चौक से थोड़ा सा अंदर में बड़ा चौक कहलाता है, वहीं पे बस पकड़ा इसको, बस डेगा पहले यहाँ मारा मारने लगा। वहाँ पे भीड़ तो आदमी की रहती है तो वही सब बचाया। तो आप पकड़े? हाँ, तो मतलब छू इतना पे हुआ, उसका जान से मारने का इरादा होगा लग तो रहा वैसे ही, या लूट मार क्या करना था वो तो उसी का ही इरादा। किसी तरह का कोई विवाद भी था? पहले से कोई विवाद नहीं, और इससे कभी उससे बात भी नहीं हुई है वो लड़का से, जो लड़का मारा है कभी कोई सा मामला नहीं। असल है कि वो लोग या तो गुंडागर्दी कहिए ना, उसका एक बेटा पहले से जो मारा है लड़का छुरी, उसका बड़ा भाई पहले से मर्डर केस में जेल के अंदर है 3 साल। तो वो बॉस बनना चाहता है क्या है उसी का वही जान है, इसी वजह से। या लूट का मामला होगा क्या? मैं लूटा कुछ नहीं। क्या नाम है इनका? इनका अफसार हुसैन। क्या करते हैं? ये टीचर हैं, प्राइवेट टीचर हैं, केमिस्ट्री इंटर वाले लड़के को पढ़ा रहे हैं। आरोपी लोग का गांव का ही है? मोहल्ले का ही। क्या नाम है? ये होगा मोहम्मद परवेज नाम है जो उसका पिता है, और लड़के का नाम मोहम्मद इरशाद। क्या नाम हुआ आपका? महमूद आलम।